अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन का कंप्लीट एंड ऑनेस्ट रिव्यू। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरह से आप लोग मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन को इस्तेमाल करके एक फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बेस बना सकती हैं, उसका कम्प्लीट मैथड। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन की पैकेजिंग के बारे में। तो ये फाउंडेशन आपको कार्डबोर्ड की खूबसूरत पैकेजिंग में मिलती है। मुझे इसकी पर्सनली पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है। जब आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगी तो ये आपको बॉटल फॉर्म में मिल जाती है और इसके जो बॉटल की पैकेजिंग है वो भी ग्लास फॉर्म में है। तो मुझे पर्सनली इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी पैकेजिंग मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन इसकी बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग है। जब आप इसकी बॉटल को टर्न करें तो यहाँ पर आपको मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन की सारी डिटेल्स मिल जाती है। जब आप इसकी कैप को रिमूव करेंगी तो यहाँ पर आपको जो पंप मिलता है वो गोल्डन कलर में मिलता है और काफी खूबसूरत इसके पंप की जो पैकेजिंग है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। उसके अलावा इसके टेक्सचर की बात करें तो यहाँ पर आप मेरी हैंड के ऊपर इसका टेक्सचर देख सकती हैं। ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देती है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने इसे मार्केट से 400 रुपीज में बाय किया है और 400 रुपीज में इतनी अच्छी पैकेजिंग मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और मुझे पर्सनली इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। अगर आप एक अफोर्डेबल फाउंडेशन बाय करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपने मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन को इस्तेमाल करके बेस बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद, मॉइस्चराइज करने के बाद अपने फेस के ऊपर मेकअप सेटिंग स्प्रे का स्प्रे करें और आफ्टर 5 मिनट्स यानी कि आप इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ दें। जब आपका मेकअप सेटिंग स्प्रे जो ड्राई हो जाए आपके फेस के ऊपर, आफ्टर 5 मिनट्स आप क्या करेंगी, आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है प्राइमर। आप यहाँ पर कोई सा भी प्राइमर यूज कर सकती हैं। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा लार्ज ओपन पोर्स का इश्यू है तो देन आप ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर यूज कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो देन आप लोग किस ब्यूटी का प्राइमर भी यूज कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 1 or 2 drops में किस ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ। इसी तरीके से आपने जब अपने फेस के ऊपर सेटिंग स्प्रे अप्लाई करना है उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर प्राइमर अप्लाई कर देना है आफ्टर 5 मिनट्स, जब आपका जो सेटिंग स्प्रे है कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो देन प्राइमर को अप्लाई करने के बाद आप इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगी। आफ्टर 5 मिनट्स जब आपका प्राइमर कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो देन आपने क्या करना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करनी है लिक्विड फाउंडेशन। तो यहाँ पर एज यू नो आपको पता है कि मैं मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपने उतनी अमाउंट में लिक्विड फाउंडेशन लेनी है मिस रोज़ की जितनी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप चाहती हैं कि आपको लाइट टू मीडियम कवरेज चाहिए तो आप 1 से 2 पंप ले लें, और अगर आप मीडियम टू हाई कवरेज चाहती हैं तो डेफिनेटली इसके साथ आप मीडियम टू हाई कवरेज भी अचीव कर सकती हैं। अगर आपके फेस के ऊपर कोई भी डार्क स्पॉट्स नहीं है या एक्नी के निशानात नहीं है या पिगमेंटेशन के मार्क्स नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली प्राइमर के बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी। और अगर आपके फेस के ऊपर एक्नी या पिंपल्स के मार्क्स हैं तो देन आप अपने फेस के ऊपर कलर करेक्टर अप्लाई करें और आफ्टर देन आप इस फाउंडेशन को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी। और अप्लाई करने के बाद आप अपने हैंड के साथ ब्लेंडिंग करें, और अगर आप चाहें तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने हैंड के साथ ब्लेंडिंग करके उसके बाद टैप किया है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, और मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर था वो डैप ब्यूटी ब्लेंडर था, उसके साथ मैंने टैप टैप करके इस बेस को सेट किया है। आफ्टर देन आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी कोई से भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पर मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। इसका जो शेड नंबर है वो 02 है, और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मार्केट से 350 रुपीज में, अभी जो रीसेंट प्राइस है 350 रुपीज में आपको मिलेगा। और आप इसे एक कॉम्पैक्ट ब्रश के साथ अप्लाई करेंगी या नॉर्मल जो पाउडर ब्रश होता है उसके साथ आपने इस कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो आपकी बेस है वो कम्प्लीटली डन हो जाएगी, आपकी एक फ्लॉलेस सी बेस रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप अपने फेस के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हैं, अपने फेस को कंटूर कर सकती हैं, ब्लश ऑन अप्लाई कर सकती हैं, अपना कंप्लीट मेकअप कर सकती हैं। क्योंकि इस तरह से अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके बेस बनाएंगी मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन के साथ तो आपकी जो बेस है वो कभी भी पैची नहीं होगी, कभी भी फटेगी नहीं। उसके अलावा आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंगली आपके फेस के ऊपर स्टे करेगी पूरे दिन के लिए। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को इस अफोर्डेबल लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मिस रोज़ की लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू अच्छा लगा हो, उसके अलावा आप लोगों को ये बेस बनाने का मेथड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।